नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदित में आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज मैं कल वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि कल मैं थोड़ा बिजी था, कहीं बाहर गया था आप सभी लोगों के लिए जानकारी जुटाने के लिए आलू के बारे में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गुजरात की निकासी के बारे में कि जे लगभग 30 जून तक गुजरात में कितने परसेंट निकासी हो चुकी है और कौन कौन से एरिए में से कितना कितना आलू निकल चुका है दोस्तों गुजरात में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना जिससे आप कोई भी जानकारी गुजरात के बारे में आप मिस ना करें और आप लोग एकदम अपडेटेड रहें। तो दोस्तों इस समय माहौल आपको मालूम ही है, आलू का थोड़ा असमंजस की स्थिति चल रही है। हसन की रिपोर्ट मैंने आपको डाली थी, आप सभी लोगों ने देखा। और दोस्तों आज आने वाले समय में आप लोगों को मैं निकासी की बराबर रिपोर्ट देता रहूँगा। और दोस्तों आज मैं प्रमुख मंडियों के पहले आलू के भाव बताऊँगा, उसके बाद मैं गुजरात की निकासी के बारे में आपसे चर्चा करूँगा और पूरी आपको रिपोर्ट दूँगा। तो दोस्तों सिस्टम अभी इस समय थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, कोल्ड स्टोरों पर रेट निरंतर डाउन होती जा रही है, पर थोड़ा सा बीच में एक दो दिन के लिए करंट भी है, अभी रेट थोड़ा सा ठीक चल रहा है। बाकी हसन के धीरे धीरे कुछ कुछ कट्टे आने लगे हैं बेंगलोर मंडी में और साउथ में थोड़ा सा असर दिखने लगा है। बाकी दोस्तों हसन अगर भरपूर आ जाएगी, थोड़ी सी डिमांड घट जाएगी, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है वैभव शर्मा और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका प्रिय चैनल। और अब शुरुआत करते हैं, सबसे पहले दिल्ली आज़ादपुर से दोस्तों शुरुआत करेंगे, वहाँ पर क्या भाव चल रहे हैं समय आलू के, फिर उसके बाद गुजरात की जानकारी दूंगा आपको निकासी की बढ़िया तरह से। तो दोस्तों दिल्ली आज़ादपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इस समय आलू, पंजाब का बात करें तो पंजाब की LR का भाव 460 रुपये से लेके 500 रुपये तक बिक रहा है दोस्तों 50 किलो, और डायमंड बिक रहा है दोस्तों 400 रुपये से लेके 460 रुपये तक 50 किलो की तौल। ये भाव दोस्तों 50 किलो के हैं दिल्ली के। अब दोस्तों हम बात करें इस समय तो हाइब्रिड आलू वहाँ पे दिल्ली में आज़ादपुर की मंडी में इस समय 360 रुपये से लेके 400 रुपये तक बिक रहे हैं, और सूर्य आलू एक्स्ट्रा सुपर दोस्तों BVIP 570 रुपये से लेकर 600 रुपये तक बिक रहा है दोस्तों। और कल का ध्यान रखना, कल मैं लाइव आऊँगा, कल का 11 बजे करेक्ट लाइव होगा दोस्तों, तो आप सभी लोग लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें क्योंकि कल साउथ हसन से भी काफ़ी किसान जुड़ेंगे। T7 की अगर हम बात करें दोस्तों एक्स्ट्रा सुपर तो 520 रुपये से लेके और 550 रुपये तक बिक रहे हैं, और चिप्सोना शुगर फ्री की बात करें तो 500 रुपये से लेके 540 रुपये तक बिका है, और गुल्ला 300 रुपये से लेके 350 रुपये तक बिका है दिल्ली आज़ादपुर की मंडी में। और आगरा अलीगढ़ का दोस्तों कोल्ड स्टोर का आलू 420 रुपये से लेके 490 रुपये तक बिका है, और एक लॉट 500 रुपये तक भी बिके हैं। और चंदौसी का दोस्तों चिप्सोना की बात करें हम तो 560 रुपये से लेके 610 रुपये तक बिके हैं, और चिप्सोना की दोस्तों बात करें जो नॉर्मल चिप्सोना है दोस्तों आलू, वो 550 रुपये से लेके 580 रुपये तक बिक रहे हैं। और संबल का दोस्तों 3797 ये 500 रुपये से लेके 580 रुपये तक बिक रहा है दिल्ली आज़ादपुर की मंडी में। अब हम दोस्तों बात करते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा मुंबई का भाव बता देता हूँ कि मुंबई के भाव की भी लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है। तो मुंबई महाराष्ट्र में इस समय आलू VVIP 3797 बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी का आलू 11 रुपये से लेके 12.5 रुपये किलो तक बिके हैं, और एवरेज हल्की क्वालिटी का 3797 दोस्तों 9 रुपये किलो से लेके 11 रुपये तक बिके हैं दिल्ली आज़ादपुर की मंडी, वहाँ सॉरी मुंबई की मंडी में, बासी मंडी का भाव है दोस्तों ये। अब दोस्तों बात करें UP का शुगर फ्री, तो वहाँ पर 11 रुपये से लेके 12 रुपये किलो तक बिक रहा है। और गुजरात का आलू दोस्तों, गुजरात का बादशाह वहाँ पे 6 रुपये किलो से लेके 9 रुपये किलो तक बिक रहा है, और लॉकर 8 रुपये किलो से लेके 10 रुपये तक बिके किलो तक बिके हैं, और ख्याति दोस्तों गुजरात का 5 रुपये किलो से लेके 8 रुपये किलो तक बिका है, और पुखराज 5 रुपये किलो से लेके 7 रुपये किलो तक बिका है मुंबई की मंडी में, और दोस्तों संताना 6 रुपये से लेके 8 रुपये किलो तक बिक रहे हैं, और LR दोस्तों 6 रुपये किलो से लेके 9 रुपये किलो तक बिका है। अब दोस्तों बात करते हैं मुंबई की मंडी में MP का जो आलू जाता है उसके क्या भाव हैं। तो MP के आलू के भाव दोस्तों मैं बताऊँ आपको कुछ इस प्रकार है, ज्योति आलू वहाँ पे 10 रुपये से लेके 13 रुपये किलो तक बिक रहा है, और लोकर आलू दोस्तों 12 रुपये किलो से लेके 14 रुपये किलो तक बिक रहा है MP का। अब हम दोस्तों बात करते हैं गुजरात की निकासी के बारे में। तो दोस्तों इस समय निकासी दोस्तों गुजरात में अब तक 30 जून तक के दोस्तों ये आंकड़े हैं, ये है 21.7474% निकासी हो चुकी है। और जो दोस्तों ये अब मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से एरिया से कितना कितना आलू गुजरात में अब तक निकल चुका है, निकासी बहुत अच्छी हो चुकी है दोस्तों। उसका कारण एक बहुत बड़ा ये भी है कि वहाँ पे इस बार CIPC जो चिप्स वाली वेराइटी थी वो ज़्यादा बोई गई थी, तो उनकी निकासी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दिशा की, तो दिशा की लोडिंग अगर हम देखें तो लोडिंग वहाँ पर हुई थी 3,10,76,052 कट्टे की, और अनलोडिंग अब तक 30 जून तक यहाँ का जो निकासी हो चुकी है वो हो चुकी है अब तक 74,68,466 कट्टे की, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दिशा दोस्तों मेन बेल्ट है, जैसे हमारे यहाँ खंदौली है आगरा में और मेन बेल्ट है, और इसी हिसाब से दिशा भी वहाँ की गुजरात की मेन बेल्ट है, तो कुछ इस प्रकार वहाँ की निकासी है। अब दोस्तों बात करते हैं खेड़ा एरिया की, तो खेड़ा एरिया की अगर हम बात करें तो लोडिंग वहाँ पर हुई थी लगभग
लगभग वहाँ पे हुई थी दोस्तों लोडिंग 30,06,000 कट्टे की लोडिंग हुई थी वहाँ पे, 30 लाख कट्टे मतलब 30,06,000 कट्टे आए थे, और अब तक अनलोड कोल्ड स्टोरों में से निकासी 4,35,400 कट्टे की हो चुकी है। तो दोस्तों निकासी हर जगह बढ़िया चल रही है, निकासी बहुत अच्छी चल रही है। अब हम बात करते हैं दोस्तों साबरकंठा की, तो साबरकंठा भी दोस्तों बहुत अच्छी बेल्ट है आलू की, वहाँ पर लगभग दोस्तों लोडिंग हुई थी 99,80,482 कट्टे की, और अनलोड अब तक निकल चुका है वहाँ पर आलू 18,67,938 कट्टा निकासी हो चुकी है अब तक साबरकंठा में। तो साबरकंठा की दोस्तों निकासी भी बहुत बढ़िया चल रही है। अब हम दोस्तों बात करते हैं बीजापुर की, तो बीजापुर में दोस्तों लोड हुआ था पूरा टोटल 28,760 कट्टे की लगभग लोडिंग हुई थी, और वहाँ पर अनलोड दोस्तों हुआ है अब तक लगभग 6,05,148 कट्टे अब तक निकल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो निकासी दोस्तों हर जगह बढ़िया चल रही है, और निकासी की बात करें क्योंकि सुपरफास्ट, अब वेस्ट बंगाल की अगर हम निकासी की बात करें तो वहाँ पे भी दोस्तों इस समय सुपरफास्ट निकासी चल रही है। थोड़ा हमारा यूपी इस समय डाउन चल रहा है, बाकी यूपी भी अगर स्पीड पकड़ लेगा तो लास्ट में हो सकता है कि आलू में कुछ चांस बनने की उम्मीद बनी। अब हम दोस्तों बात करते हैं देवगांव की, तो देवगांव की मेन बेल्ट है गुजरात की, वहाँ पर भी आलू बहुत अच्छा होता है। वहाँ की अगर हम दोस्तों बात करें लोडिंग की, तो वहाँ पर लोडिंग हुई थी लगभग 7,34,640 कट्टे की लोडिंग हुई थी वहाँ पर टोटल, और वहाँ पे अब तक अनलोड 1,40,656 कट्टे वहाँ से निकल चुके हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं टोटल लोडिंग की गुजरात की, तो टोटल लोडिंग गुजरात में लगभग 5,42,03,966 कट्टे की लोडिंग हुई थी टोटल, जिसमें से अब तक 1,17,83,208 कट्टे अब तक अनलोड हो चुके हैं, जो कि 21.74% होती है निकासी। दोस्तों गुजरात की निकासी की इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि शुरुआत में निकासी बहुत स्लो चल रही थी गुजरात में, फिर लास्ट में एक साथ निकासी की स्पीड बढ़ी, तो जिससे क्या हुआ कि निकासी अगर स्पीड बढ़ती है तो आपको मालूम ही है फिर तो धड़ाधड़ निकासी होने लगती है, और रेट अच्छे मिलने की उम्मीद या संभावना बन सकती है। तो दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो खींचने का कोई वो नहीं है, और रेट की बात करें गुजरात में तो रेट तो दोस्तों मैं डेली बताता हूँ आपको, वही रेट चल रहे हैं, सेम रेट चल रहे हैं। निकासी का कारण एक स्पीड का वो भी है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी इस साल डाउन है। मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बताया था कि गुजरात में इस बार ब्लैक स्क्रब जो चेचक आती है, चेचक का बहुत बड़ा अटैक हुआ था, इस वजह से आलू की क्वालिटी थोड़ी हल्की हो गई थी। इस वजह से जब आलू की क्वालिटी हल्की होती है दोस्तों, तो आलू की निकासी भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी आदमी अपना आलू निकालता है, क्योंकि हमारे यूपी का आलू दोस्तों एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी होता है, आपको सभी को मालूम है, और बहुत अच्छे है। साउथ का सबसे ज़्यादा डिमांड हमारे यूपी के आलू की होती है, क्योंकि हमारा आलू यूपी का खाने में भी अच्छा होता है, और वहाँ पे जाके उसकी डिमांड भी बहुत अच्छी बन जाती है। और दोस्तों हसन का भी आपको मालूम ही है कि हसन में इस समय अब एक दो दिन से तो बारिश हो रही है अच्छी, फिर भी वहाँ पर 1-2% का नुकसान की बताया जा रहा है, और मैंने आप लोगों को वीडियो डाला था हसन के बारे में, आप लोगों को अपडेट किया था। आगे मैं निरंतर आप लोगों को हसन के बारे में भी डेली अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों थोड़ा सा अब मैं आप लोगों को भाव बता देता हूँ वहाँ का इस समय मेट्रोपालम का, तो मेट्रोपालम में इस समय गुजरात का आलू जो था, जो 45 किलो की दोस्तों तौल होती है, वो 500 रुपये से लेके 630 रुपये तक बिक रहा है, और कोलार का आलू दोस्तों 700 रुपये से लेके 850 रुपये तक बिक रहा है। कोलार का दोस्तों आलू धीरे धीरे चलता रहता है, पहाड़ी आलू होता है, और वो हर समय आता रहता है थोड़ा बहुत, वो ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे आलू पे नहीं, आगरा यूपी के आलू पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। और दोस्तों बेंगलोर की बात करें, तो बेंगलोर में भी आज भाव वहीं बने हुए हैं, वहाँ पे 600 रुपये से लेके आलू 650 रुपये तक, और एक आलोड वीवीआईपी 700 रुपये तक भी बिके हैं बेंगलोर मंडी में, और एवरेज जो हल्का आलू है दोस्तों वो 500 रुपये से लेके 600 रुपये तक बिक रहा है, जो कि 50 किलो की तौल होती है। पूना की अगर हम बात करें, तो दोस्तों पूना में भी आलू 10 रुपये से लेके, और वीवीआईपी एक्स्ट्रा सुपर 13 रुपये किलो तक बिके हैं, और हल्के आलू दोस्तों 9 रुपये से लेके 11 रुपये किलो तक ज़्यादातर लॉट वो इस रेट बिक रहे हैं। और दोस्तों हम जयपुर की बात करें, तो जयपुर में भी आलू हल्का आलू एवरेज 6 रुपये किलो से लेके 9 रुपये किलो तक बिक रहा है, और एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू दोस्तों 6 रुपये किलो से लेके 10 रुपये किलो तक बिके हैं। भाव में कोई खास अंतर आया नहीं है, और लगभग भाव सबके सेम ही चल रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं विशाखापट्टनम की, तो वहाँ पे आलू 500 रुपये से लेके 550 रुपये तक बिके हैं, और एक्स्ट्रा सुपर एक आध वीवीआईपी लॉट 550 रुपये से 600 रुपये तक भी 50 किलो बिका है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को निकासी बताई गुजरात की, तो गुजरात की दोस्तों सबको उत्सुकता थी कि गुजरात के बारे में पता चले, क्योंकि मेन
सब गुजरात का ही है खेल पूरा, और वेस्ट बंगाल का ही खेल है, क्योंकि वेस्ट बंगाल और गुजरात ही ज़्यादा इम्पैक्ट अपने आलू पे, यूपी के आलू पे डालता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी लोगों को बढ़िया लगा होगा, तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।